जैसे कहते हैं कि पहाड़ में आगे दिखता नहीं है कि कोई रास्ता है, लेकिन हम जाते जाते हैं तो रास्ते निकलते जाते हैं और बहुत अंदर गहराई तक रहती हैं चीज़ें। उसी तरीके से मुझे लगता है चमोली का भी मेरा एक्सपीरियंस है रखी। और यहाँ का सरस्वती जल जो कि कहते हैं यहाँ पे माणा में ही सरस्वती जी विजिबल होती हैं, उसके बाद वो ज़मीन में समा जाती हैं। मैम ने खुद अपने बच्चे को आंगनबाड़ी में दाखिला दिलवाया था मैम, तो वो एक्सपीरियंस क्यों, वो अभी भी जा रहा है आंगनबाड़ी, ऐसा नहीं है कि वो उस समय जाकर फिर उसने छोड़ दिया दिखावा करके। हर किसी को चिंता होती है अपने करियर की। यहाँ पे अगर गांव के बच्चे को, गांव का बच्चा चाहता है कि वो वन डे एग्जाम क्लियर कर दे, कि मैं जितनी देर पढ़ूँ उतनी देर एफिशिएंटली पढ़ूँ एंड मैं कोई भी अननेसेसरीली टाइम वेस्ट ना करूँ कि मैं बैठ के मोबाइल पे ही लगी हुई हूँ। मेरा बच्चा इज़ वेरी लाइक ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग आई मस्ट से। तो राज्य समीक्षा पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, मैं हूं मिथिलेश नौटियाल। और जैसा कि आप जानते हैं हर बार आपकी डिमांड होती है कि कुछ ऐसे जिलाधिकारियों की कहानियां आप सबके बीच लेकर आएं जो प्रेरणादायक हैं, जो उत्तराखंड के बच्चे बच्चे के लिए एक अच्छी जानकारी हो सकती है, उत्तराखंड के छात्रों के लिए एक अच्छा नॉलेज मिल सकता है। आज हमारे साथ हैं चमोली जिले की DM मिस स्वाति एस भदौरिया, इस वक्त हमारे साथ हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका राज्य समीक्षा पर। साल 2018 में आपने अपना पदभार ग्रहण किया चमोली में, तब से लेकर अब तक एक्सपीरियंस क्या कहता है आपका चमोली के लिए? जो मेरा चमोली का एक्सपीरियंस है, आई हैव बीन हियर पहले भी मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे ट्रैक में, और तब लेकिन मैंने इतने अंदर से अच्छे से नहीं देखा था। लेकिन जैसे कहते हैं कि पहाड़ में आगे दिखता नहीं है कि कोई रास्ता है, लेकिन हम जाते जाते हैं तो रास्ते निकलते जाते हैं और बहुत अंदर गहराई तक रहती हैं चीज़ें। उसी तरीके से मुझे लगता है चमोली का भी मेरा एक्सपीरियंस है कि हमें पहले लगा बस बद्रीनाथ इज़ दी ओनली थिंग, लेकिन फिर धीरे धीरे यहाँ पे मतलब हर्ब्स का बहुत ही अच्छा स्कोप है और महिलाएँ बहुत अच्छी, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, स्वयं सहायता समूह का काफ़ी स्कोप है, बच्चे पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर हैं और उनके पेरेंट्स भी अवेयर हैं, तो इस तरीके से एजुकेशन आदि के प्रति भी लोगों का अवेयरनेस काफ़ी अच्छा। और बहुत सारे अन्य टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जो कि लेसर नोन है, तो इस तरीके से जितना मैं चमोली में रह रही हूँ आई एम लाइक लाइकिंग इट मोर एंड मोर एंड आई एम गेटिंग टू नो इट बेटर एंड बेटर। जिलाधिकारी जैसे आप हैं, सुदूर गांवों में जाते हैं, वहाँ पे लोगों से मुलाकात करते हैं, तो उन लोगों की जो भी परेशानियाँ होती हैं वो कई परेशानियाँ मौके पर निस्तारण होता है, तो उन लोगों को अब तक आपने कितने करीब से समझा है, उनकी परेशानियों, उनके दुख दर्द को, और उनसे कितना अपनापन है? जो चमोली क्योंकि बहुत ही बड़ा ज़िला है एरिया वाइज, ऑल दो पॉपुलेशन तो इसमें 4 लाख के आसपास है, लेकिन बहुत ही इंटीरियर के गांव होते हैं और यहाँ पे आपदा ग्रस्त सबसे ज़्यादा है हमारा उत्तराखंड में चमोली, तो उस हिसाब से काफ़ी जगह पे इंटीरियर एरियाज़ में आपदा आती है। दीवाल के फलदिया गाँव में आई, या फिर अभी बलाड़ में रिसेंटली एक्सीडेंट्स वगैरह भी हुए, या फिर हमें गोविंद घाट वगैरह कई जगह पर आपदाएँ आती हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं तत्काल मौके पर उसमें पहुँच कर एक बार लोगों का हाल जान लूँ और जिससे जल्दी से जल्दी राहत सामग्री, राहत के जो कार्य हैं वो लोगों तक पहुंच पाएं। और काफ़ी सारी बहुउद्देश्य शिविर भी हम हर महीने लगाते हैं और सुदूर गांवों में लगाते हैं, और पूरी टीम के साथ पूरे ज़िला प्रशासन की और सभी अधिकारियों को लेकर भी वहां पे जाते हैं, जिससे कि सभी लोग उसकी एरिया के प्रॉब्लम भी समझ पाएं और वहां पे जो छोटी छोटी चीज़ें, हेल्थ कैंप, आधार कार्ड कैंप और पशु चिकित्सा कैंप, इस तरीके के कैंप्स भी वहां पे आयोजित किए जाते हैं जिससे कि हम लोगों की एक्चुअल प्रॉब्लम्स को जान सकें और उनका निराकरण मौके पर ही कर सकें। और मैम एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ पे लोग अब स्वरोजगार से बहुत ज़्यादा जुड़ने लगे हैं, फूलों की खेती करना शुरू कर रहे हैं, कहीं पता चला कि फूलों की खेती कर रहे हैं, तो जिलाधिकारी की तरफ से लोगों को इस स्वरोजगार से, अपने रोजगार से जुड़ने के लिए क्या क्या पहल शुरू की जा रही हैं अभी तक? इसमें जैसे हमारी महिलाओं के बारे में हमने बताया, तो यहाँ पे सबसे अच्छा एक स्कोप है, सबसे हमारी पूरी इकोनॉमी ऑलमोस्ट टूरिज्म के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो अगर हम टूरिज्म को टैप करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उससे इकोनॉमी में बढ़ोतरी होती है, तो इसलिए हमने बद्रीनाथ में एक पंच बद्री प्रसादम शुरू किया है इस बार से, जिससे हमारे लोकल जिसमें प्रोडक्ट्स हैं, चौलाई के लड्डू हैं, हमारा होम मेड धूप बत्तीज़ हैं, हमारी कुछ बद्री तुलसी वहाँ की है, और गुलाब जल जो यहीं के डेमस्क रोज से निकला हुआ गुलाब जल है, इस तरीके की चीज़ें उसमें रखी, और यहाँ का सरस्वती जल जो कि कहते हैं यहाँ पे माणा में ही सरस्वती जी विजिबल होती हैं, उसके बाद वो ज़मीन में समा जाती हैं, तो वहाँ जो सरस्वती का जल है, ये सब 5 चीज़ों का इकट्ठा करके वो पंचबद्री प्रसादम बनाया गया है, जिसकी बहुत ही अच्छी बिक्री है, उसका आउटलेट भी वहाँ बद्रीनाथ में बनाया गया, ये सभी कुछ स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित है, तो दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इकोनॉमी जिससे काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। साथ में हम छोटे छोटे मेमेंटोज जैसे चरखा, यहाँ के काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट आर्टिसंस हैं, तो उनसे चरखा वगैरह के हम छोटे छोटे मेमेंटोज भी बनवा
रहे हैं, जिससे कि टूरिस्ट, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ टूरिस्ट नहीं खरीद के ले जा सकते हैं, तो वो मेमेंटोज़ की भी काफ़ी अच्छी डिमांड है और उससे भी काफ़ी उनकी इनकम जनरेट हो रही है। साथ में बद्रीनाथ में भी अभी एक कैफ़े भी बनाया जा रहा है और अगले साल से, लेकिन क्योंकि अब बंद होने वाला है तो वो अगले साल से प्रॉबली वो शुरू हो जाएगा कैफ़े। तो इस तरीके की बहुत छोटी छोटी, और होम स्टेज़ में हमने SHGs को इन्वॉल्व कर रखा है और उनके माध्यम से भी SHGs ये होम स्टे के काम कराए जा रहे हैं। तो यहाँ इनफैक्ट एक आयुर्वेदा विलेज हम बना रहे हैं जिलासू और लंगासू को मिला करके, वहाँ पे मॉडल होम स्टे भी बनाया जा रहा है जिसको कि स्व सहायता समूह को हैंडओवर किया जाएगा और उससे भी उनकी इनकम जनरेशन होगी और वो बाकी SHGs को भी एक मॉडल के रूप में देख भी पाएंगे और जिनको भी बनाना है बाकी जगहों पर वो अपने माध्यम से भी उसको आगे ले जा सकते हैं। जी, ये तो हुई रोजगार की बात, और अब बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा में क्या हो रहा है, क्योंकि बीच में एक खबर आई थी जिसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, मैम ने खुद अपने बच्चे को आंगनबाड़ी में दाखिला दिलवाया था। मैम, तो वो एक्सपीरियंस क्यों, मतलब वो ऐसा किया क्यों, क्योंकि कई बार लोगों का तो एक बहुत ही अच्छा रिएक्शन आया कि एक बड़े अधिकारी को इस तरह के काम करना है, ये वास्तव में अच्छा काम है, लेकिन मैसेज क्या है इससे? इसमें एक्चुअली मतलब मेरा बच्चा भी उस समय लगभग 2 साल का था, तो उस समय मुझे भी लगा, मैंने भी यहाँ के आंगनवाड़ी विज़िट करी तो मुझे लगा कि इट इज़ अ गुड प्लेस, ऐसा कुछ, और बाकी मैसेज तो अच्छा जाता ही है लेकिन उसकी भलाई के लिए भी और बाकी सभी चीज़ों की भलाई के लिए भी, और आंगनवाड़ी इज़ अ गुड प्लेस, वो अभी भी जा रहा है आंगनवाड़ी, ऐसा नहीं है कि वो उस समय जाकर फिर उसने छोड़ दिया दिखावा करके। तो वो आज के डेट में भी अभी भी आज भी आंगनवाड़ी को जाना कंटिन्यू कर रहा है, वहाँ के खाना खाता है, वहाँ पर सब कुछ, लोगों के साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है और वहाँ पे पोएम्स वगैरह सीख कर काफ़ी अच्छा, मतलब उसका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी आंगनवाड़ी के साथ बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है कि उससे छोटी छोटी चीज़ें भी हमें वापस जानने को मिलती हैं आंगनवाड़ी के छोटे छोटे फीडबैक्स। उसके बाद ही इनफैक्ट हमने फिर ये एक बचपन प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका फुल फॉर्म है बेटर आंगनवाड़ीज़ फॉर चाइल्डहुड प्रोग्रेस एंड नरिशमेंट। तो उसमें हम काफ़ी सारे, जितने भी हमने अभी 90 आंगनवाड़ीज़ को ऑलरेडी उसमें टेकअप कर लिया है और इस साल के एंड तक हम 150 को टेकअप करेंगे, तो उसमें छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी, जैसे झूले लगवाए जा रहे हैं उसमें आंगनवाड़ीज में, तो उनका और उनके लिए आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए एक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बुकलेट भी बनाई गई है जिससे कि वो वहाँ पे खेल खेल में बच्चों को पढ़ाएं, ऐसा ना हो कि बच्चे बस वहाँ जाके मिड डे अपना खाना खाकर कुक फूड खाकर आ जाएं, वहाँ पे वो कुछ सीखें भी, तो वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराई जा रही है। साथ में उनको छोटे छोटे फर्नीचर्स वगैरह दिए गए, वहाँ पे गैस कनेक्शंस नहीं थे तो आंगनवाड़ी अपने घर से बनाकर लाती थी खाना, या फिर उनको उस तरीके का कुक्ड फूड जो हम कहते हैं रियल सेंस में, वो कुक्ड ना हो के बस ऐसे ही कुछ भी चने वगैरह खिला दिया जाता था, तो वो अब कुक्ड फूड गैस कनेक्शन से वो वहीं पर बना के खिचड़ी दलिया पराठा वगैरह सब कुछ वहीं मौके पर ही बना पाती हैं। और इसके साथ साथ हमने आंगनवाड़ीज में लाइट नहीं होती है तो इसलिए, लाइट का कोई प्रावधान भी नहीं होता है, तो इसलिए हमने ऊपर छोटे छोटे सोलर, मिनी सोलर प्लांट्स 500 वॉट्स के लगवा के उससे, जिससे कि एक दो पंखे एक दो लाइट्स जल जाएँ, तो ये सब भी करा है। ऑडियो किट्स दिए हैं बच्चों को और ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी वहाँ पे, मतलब उनका जीर्णोद्धार वगैरह जो भी टाइल्स एंड ऑल, कलरफुल मैट्स और बहुत सारी छोटी छोटी बुक्स और फिंगर पेंट्स एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की गई हैं जो बच्चों की जो रुचि है पढ़ाई में वो शुरू से डेवलप हो सके, ये भी किया है। और साथ में कुछ नई चीज़ें जैसे प्रतिभा दिवस आंगनवाड़ीज़ में शुरू किए गए हैं जिससे बच्चे अपनी प्रतिभा को वहीं से, स्टेज फ्राइट उनका डेवलप ना हो, उनको स्टेज फ्राइट का कभी भी ज़िंदगी में ना वो फेस करें, क्योंकि बचपन ही शुरू के जो दिन होते हैं 5-6 साल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आगे वाली लाइफ के लिए। साथ में उसी दिन पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी की जाती है जिससे कि पेरेंट्स को भी बता दें अगर उनके बच्चे में कोई प्रॉब्लम लग रही है, फॉर एग्जांपल कभी बच्चा बहुत वॉयलेंट होता है या बहुत शांत होता है, तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ों से कम्युनिटी भी ओनरशिप फील करती है आंगनवाड़ी के प्रति, और साथ साथ बच्चों का भी जो वृहद विकास, पूर्ण विकास होता है वो भी संभव हो पाता है। और साथ में मेन्यू में भी हमने एक्सपर्ट एक पैनल बना के वहाँ उनसे मेन्यू डिसाइड कराया है और वही मेन्यू का खाना रोज़ बदल बदल कर दिया जा सकता है, जिससे दिया जाता है जिससे बच्चों को एक बैलेंस डाइट भी मिल पाए। और आप लगातार औचक निरीक्षण पे चली जाती होंगी कहीं? हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे तो डेली का फीडबैक वैसे भी मिल जाता है यहाँ का तो, और बाकी भी मुझे पर्सनली भी बहुत इंटरेस्ट है तो मैं आंगनवाड़ीज़ का निरीक्षण भी रेगुलरली करती रहती हूँ। आंगनवाड़ी के जो संचालक रहते हैं वो डरे हुए रहते हैं? नॉट एट ऑल, वो भी मुझे एक पेरेंट्स की तरह ही ट्रीट करते हैं यहाँ पे तो जब भी मैं जाती हूँ, और बाकी तो लाइक संचालक अपनी प्रॉब्लम भी बताते हैं और आई एम वेरी हैप्पी कि मतलब वो प्रॉब्लम बताते हैं, जिससे कि हमें उनके सुझाव भी मिलते हैं उनके और हम इम्प्रूवमेंट का स्कोप, क्योंकि मतलब
देर इज ऑलवेज सम स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, तो इसलिए हम उनकी उसको कंस्ट्रक्टिव ढंग से लेते हैं। और बहुत सारी चीज़ें वहाँ से आती हैं, ये कि अलमारी चाहिए, तो इस बार से हमने उनको एक छोटी छोटी अलमारियाँ भी देना शुरू कर दिया है, तो उनके फीडबैक्स बहुत ही कंस्ट्रक्टिव होते हैं एंड आई लाइक इट कि वहाँ से अच्छे फीडबैक्स आते हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना कि मकान की नींव अच्छी हो तो आगे भी मकान बहुत अच्छा बनता है, तो जो बेसिक शिक्षा है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए और उसको और ज़्यादा रोमांचक बनाने के लिए कि बच्चे अपना डर भूल जाएं, पढ़ाई लिखाई करें, मंच पर कैसे प्रदर्शन करना है वो सब, उस वो डर ना रहे बच्चों के बीच में। तो ये बात भी शुरुआती शिक्षा की। अब बात करते हैं उससे आगे की शिक्षा की, क्योंकि कुछ वक्त पहले हमें एक खबर सामने आई थी कि आपने बच्चों के लिए स्कूल बस का भी अरेंजमेंट किया है। यहाँ पे एक्चुअली थोड़ी सी, क्योंकि हमारा वो केंद्रीय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय हमारा गोपेश्वर मुख्यालय का है, उसमें बहुत ज़्यादा छात्र संख्या भी है और बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए, लेकिन ये ना होने की वजह से, स्कूल बस ना होने की वजह से वो प्राइवेट अपने टैक्सी या कुछ भी जो बसेस का इंतज़ार करते थे और फिर उसके माध्यम से आते थे, जो कि सेफ़ भी नहीं है और जो कि बच्चों का टाइम भी बहुत वेस्ट होता है अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इंतज़ार में खड़े रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे केवी में ये शुरुआत की गई है और जिससे कि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। पेरेंट्स की भी बहुत सालों से डिमांड थी, वो दो तीन बार उनकी भी डिमांड आ चुकी थी और वो बिल्कुल तैयार थे बच्चों को भेजने के लिए। अच्छा, तो इसलिए शुरुआत की गई एंड पब्लिक रिस्पॉन्स इज़ वेरी गुड। यस हाँ, मेरे पास आए थे तो फिर उसके बाद भी ट्राइड एंड ये जो बस सुविधा है इसमें सभी बच्चे, मतलब काफ़ी बच्चों को फ़ायदा मिल रहा है, तो हम आगे भी देखेंगे अगर इस तरीके की किसी और स्कूल में भी आवश्यकता होगी तो वी विल वॉन्ट कि वहाँ पर भी इस तरीके की शुरुआत करा सकें। अच्छा, तो मतलब ये कह सकते हैं कि चमोली ज़िले में जितने भी अब बड़े सरकारी स्कूल हैं जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, तो उनके लिए अगर स्कूल बस की अगर सुविधा उनको मुहैया करवानी है तो आप आ सकते हैं और डीएम मैम से बात कर सकते हैं। तो मैम ये तो ये वाली शिक्षा, और अब उससे ऊपर जब बच्चा बड़ा हो जाता है और अपने करियर के बारे में सोचने लगता है ना, हर किसी को चिंता होती है अपने करियर की, यहाँ पे अगर गाँव के बच्चे को, गाँव का बच्चा चाहता है कि वो वन डे एग्ज़ाम क्लियर कर दे या फिर IAS PCS लेवल के एग्ज़ाम्स में कुछ सफलता पाना चाहे, तो उसके लिए मैम क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं? और सुनने में तो ये भी आया कि अभी यहाँ पे एक निशुल्क कॉलेज में बच्चों के लिए क्लासेस भी चल रही हैं। यहाँ पे एक्चुअली बच्चों का यहाँ पे जो मुझे स्तर दिखा वो बहुत ही अच्छा है, बस उन्हें थोड़ी गाइडेंस की आवश्यकता होती है, तो इसलिए वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन देम राइट फ्रॉम द बिगनिंग। तो स्कूलों में भी हमने डिजिटल लर्निंग वगैरह की क्लासेस भी शुरू करा दी हैं, हमारे 20 में ऑलरेडी हो गए, 12 में और कर रहे हैं, जिससे कि उन्हें एक अच्छा ऑडियो विजुअल मोड से इंसान ज़्यादा अच्छी तरह से याद रख सकता है, उसको ज़्यादा अच्छी तरह से रिप्रोड्यूस भी कर सकता है एग्जाम में, तो एक उससे बहुत अच्छा बच्चों का बेंट ऑफ माइंड अच्छा हो रहा है। साथ में जब एक बार स्कूल पास करने वाली स्थिति आती है तब उनको ये भी नहीं पता होता कि हमें आगे करना क्या है, तो उसके लिए हमने एक करियर मार्गदर्शिका छपवाई थी और वो सभी स्कूलों में 10th, 11th, 12th में बांटी गई थी वो बुक्स, क्योंकि जिससे कि बच्चों ऐसा ना हो कि उन्हें बस यही पता हो कि हमें इंजीनियरिंग करना है या डॉक्टर बनना है। अच्छा। हमें बहुत सारे और ऑप्शन हैं, उसमें वो सभी ऑप्शन भी उनके लिए इलाबरेट लिखा गया था कि उसमें किस तरीके से वो उन एग्ज़ाम्स में अपीयर हो सकते हैं या क्या प्रोसेस होता है कुछ भी अन्य चीज़ करने का, फॉर एग्जाम्पल फैशन डिज़ाइनिंग है, चाहे मतलब बहुत सारी अन्य अच्छी चीज़ें हैं जिसका अच्छा स्कोप है, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह का फील्ड है, तो वो सब चीज़ें उसमें लिखी गई थी। और उसके बाद जब एक बार इंसान ग्रेजुएशन भी कर लेता है या जो भी उसको करना होता है ग्रेजुएशन में, BSc, BA, BCom, whatever, तो उसके बाद उस ये रहता है कि अब हम एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या करें, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पे फिर इसलिए एक कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया गया है। बाकी तो यहाँ पे टाटा स्ट्राइव का भी चल रहा था, तो उसमें वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए कुछ ऐसा था नहीं यहाँ पे, तो इसलिए हमने हरिद्वार से, फिर यहाँ पे टीचर्स भी थोड़े अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे, हमने ट्राई किया तो हरिद्वार से फिर हमने 3 टीचर्स को यहाँ पर बुलाया, यहाँ अच्छा। पर ही रखते हैं, उनको सैलरी भी पे करते हैं। अच्छा। ये सब कुछ CSR फंड से ही किया जाता है और यहाँ महाविद्यालय में एक रूम को अच्छा करके डेकोरेट करके वैसा बनाया गया जिससे बच्चों को ये मत लगे कि ये कोचिंग निःशुल्क है, तो यहाँ की फैसिलिटीज़ भी निःशुल्क टाइप की हैं, वहाँ की फैसिलिटीज़ आर वर्ल्ड क्लास, वहाँ पे प्रोजेक्टर भी है अपना, फोटोकॉपी मशीन से लेके उनके अपना फर्नीचर है अपना, मतलब इट्स अ वेरी गुड रूम जिसमें उनको पढ़कर बैठकर भी अच्छा लगे, द क्वालिटी ऑफ टीचर्स इज आल्सो वेरी गुड, क्योंकि हम स्पेशली उनको यहाँ पे रखकर उनको सैलरी भी देते हैं और उनका रिव्यू भी करते रहते हैं। अच्छा। वो क्या पढ़ा रहे हैं एक हफ्ते में उसका हम मंडे को उनसे लेते हैं उनकी डायरी की उन्होंने क्या क्या पढ़ाया है, और साथ में उनका हर ऑल्टरनेट फ्राइडेज को टेस्ट भी होता है। अच्छा। और हम मोटिवेशनल लेक्चर्स के लिए खुद भी जाते हैं, मैं खुद भी जाती हूँ, या CDO हैं,
SDM है, जो उन लोगों ने अभी रिसेंटली अच्छे एग्जाम्स क्लियर किए हैं उनको भी हम वहाँ पे भेजते हैं बच्चों की मोटिवेशनल लेक्चर के लिए मंथ में 2 बार। और इस तरीके से मतलब हमारी USP भी यही है कि जिन लोगों ने एग्जाम क्लियर किया है डायरेक्टली बच्चों को उनसे इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। और इनफैक्ट इस बार हमने दिल्ली से भी टीचर बुलाई थी जिन्होंने 12-13 दिन यहाँ पे क्लासेस लेके उनको मेंस के टिप्स दिए, और अब हमने मेंस के लिए भी क्लासेस शुरू कर दी हैं UPSC या PSC के लिए। तो वो हम 3 दिन 1.5 घंटे की क्लासेस मेंस की अलग से भी लेते हैं और बाकी जो हमारा रेगुलर 6 दिन के क्लासेस चलते हैं वो अलग से चलते हैं। और अगर किसी बच्चे को ये क्लास ज्वाइन करनी है, कोई बच्चा है जो वास्तव में कुछ करना चाहता है अपनी ज़िंदगी में करियर में, और उसको अगर ये क्लास ज्वाइन करनी है वो चमोली ज़िले में किसी सुदूर गाँव का अगर रहने में, तो वो कैसे किस तरीके से आएगा और कैसे क्लास वो इसके लिए हमने बच्चों का, क्योंकि बच्चों का रिएक्शन रिस्पॉन्स वॉज वेरी गुड, तो इसलिए हमने शुरुआत उससे एक टेस्ट लेते हैं हम एंट्रेंस टेस्ट, सो दैट वो एक लेवल बच्चों का भी मेंटेन्ड हो, ऐसा मत हो कि नॉन सीरियस कैंडिडेट्स उसमें आ जाएं। तो जो एग्जाम्स क्लियर करते हैं वो हमने उन 100 को सिलेक्ट करके उनका ये बैच बनाया है और उसमें एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। इनफैक्ट अब हमने अपनी लाइब्रेरी भी डेवलप कर ली, उनको अच्छे से आई कार्ड वगैरह सब कुछ दिए गए, मतलब इट इज़ लाइक अ वेरी कॉर्पोरेट सेटअप, मतलब एंड वी मीन बिजनेस, मतलब हम ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पे कुछ भी पढ़ाते हैं, वहाँ पे क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है किस तरह से जा रहे हैं, मतलब इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग हम स्वयं भी करते हैं और साथ में हमने अपने नोडल ऑफिसर्स भी बना रखे हैं हु रेगुलरली गो एंड विजिट एंड इंश्योर दैट द मतलब वी आर नॉट स्टार्टिंग इट ओनली टू स्टार्ट कि चलो कुछ करना है तो कर दिया, मतलब वी आर इंश्योरिंग दैट द क्वालिटी इज़ वेरी वेरी गुड, मतलब बिल्कुल अप मार्केट उसकी क्वालिटी हो एंड वी एक्चुअली गेट सिलेक्शंस आउट ऑफ इट। तो जब 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 आप IAS एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी क्या आपके पास ऐसी सुविधाएं थी? बिल्कुल भी नहीं थी मेरे पास ऐसी सुविधाएं, इसलिए प्रॉबेबली मेरा इसीलिए इस तरीके का बेंट ऑफ माइंड है। इनफैक्ट आई रिमेंबर दैट जब मैंने सोचा था कि मैं दूंगी IAS एग्जाम तो आई डिड नॉट हैव एनीबडी जो मुझे गाइड कर सके, तो मेरे फादर उस समय कहा करते थे कि बिकॉज मैं दूर दूर के रिलेशन में भी नहीं था, एक्सटेंडेड फैमिली में भी नहीं था, कॉलोनी वॉलोनी कहीं पर भी नहीं था, तो यूज़ टू से कि ओके ठीक है हम लोग चलते हैं मसूरी में, वहाँ लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, वील स्टैंड नियर इट्स गेट एंड समबडी विल कम सम टाइम और दी अदर, हम वेट करेंगे जब भी कोई आएगा तो हम उससे टिप ले लेंगे कि कैसे करते हैं। तो दैट वाज द लेवल ऑफ दैट वाज द लाइक लैक ऑफ गाइडेंस विच वी वे फेसिंग। तो इसलिए आई वांट कि बच्चों को ये छोटी छोटी चीज़ें गाइडेंस की कमी के कारण एटलीस्ट कोई अपना अगर कोई ऊंचा सोचता है कोई उसकी कैपेबिलिटी भी रखता है तो एटलीस्ट ये गाइडेंस की कमी शुड नॉट बी अ लाइक हिंड्रेंस फॉर हिम, तो इसलिए ये शुरुआत की गई थी प्रेरणा की। और बच्चों का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है एंड वी आर ऑलरेडी इन द सेकेंड बैच एंड फर्स्ट बैच में भी 10 पीपल गॉट सिलेक्टेड आउट ऑफ 100 विच वॉज अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। अच्छा पहले बैच में 100 में से 10 बच्चे सेलेक्ट भी हो गए, तो ये वास्तव में अलग अलग एग्जाम्स में, ये वास्तव में बहुत अच्छी बात है। तो मैम वैसे वक्त बहुत कम है आपके पास, लेकिन थोड़ा सा परेशान और करेंगे, एक सवाल और है। साधारण परिवार से हैं आप, है ना, तो मेहनत पढ़ाई कितनी करती थी आप, जो आपने शायद अपना, मुझे लगता है कि अपना टारगेट डिसाइड कर लिया था कि मुझे IAS बनना है, तो वो चीज़ के लिए आपने अपना क्या लक्ष्य रखा था, दिन भर का टाइम टेबल क्या होता था, कितने घंटे मैं पढ़ूंगी, कितने घंटे टीवी देखूंगी, कितने घंटे जो भी है जो बाकी क्रियाकलाप। दिस इज अ वेरी लाइक कॉमन क्वेश्चन, जब भी कोई तैयारी के बारे में पूछता है तो ये सबसे पहले पूछता है कितने घंटे पढ़ते हैं। लेकिन मतलब मुझे जो पर्सनली लगता है देयर आर 2 थिंग्स, फर्स्ट जो मेरा है वो ये था कि मतलब पढ़ाई का टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी लाइक टाइम लेफ्ट इन दी एग्जाम, जैसे जैसे एग्जाम पास आता है ऑब्वियस है कि हम वैसे वैसे ही अपना पढ़ाई का समय बढ़ाते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि हमें 16 घंटे पढ़ना चाहिए, मतलब इस तरीके की चीज़ें भी हम सुनने को मिलती हैं कि 16 घंटे पढ़ते थे तो सिलेक्शन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आई जस्ट केप्ट इट इन माइंड कि आई डोंट हैव टू वेस्ट टाइम, मतलब ठीक है एंटरटेनमेंट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दी एंटायर गेम, तो हम बिल्कुल एकदम केवल पढ़ाई करते करते भी नहीं सक्सेसफुल हो सकते, तो इसलिए आई मेड श्योर कि मैं जितनी देर पढ़ूँ उतनी देर एफिशिएंटली पढ़ूँ एंड मैं कोई भी अननेसेसरीली टाइम वेस्ट ना करूं कि मैं बैठ के मोबाइल पे ही लगी हुई हूं, बिकॉज मोबाइल आई थिंक इज़ द बिगेस्ट टाइम वेस्टेज। तो मैं तो मोबाइल को उस समय ऑफ ही रखती थी, बस जब मुझे कॉल करना होता था तभी वो मोबाइल ऑन होता था। तो एक ये मुझे लगता है कि टाइम को एफिशिएंटली मैनेज करना इज़ मोर देन सफिशिएंट, बाकी आपको सोने के लिए 7-8 घंटे चाहिए ही चाहिए। आई विल एडवाइज़ दैट नोबडी शुड कट बैक ऑन द टाइम ऑफ स्लीप कि जिससे वो पढ़ाई का टाइम बढ़ा सके, बिकॉज उससे एफिशिएंसी नहीं उससे इनएफिशिएंसी आती है। तो That is all my suggestion is। और बाकी आपको एग्जाम की जो स्ट्रैटेजी, एग्जामिनेशन हॉल के जो 3 घंटे हैं
आपको ये सोचना चाहिए कि वो मेरी ज़िंदगी के आखिरी 3 घंटे हैं, मतलब उसमें ही, क्योंकि आपको जो भी अच्छा करना है आप उसको उसमें ही करना है। तो इसलिए एग्जामिनेशन पढ़ाई के साथ साथ, जैसे मैं बताती भी हूँ कि 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, एक तो राइट मटेरियल टू स्टडी कि आपको पढ़ना क्या आप वो चूज़ करो, सेकेंड इज़ राइट मेथड टू स्टडी कि आपको ये नहीं कि आपको हर चीज़ पढ़ना ही है या आप बिना ध्यान दिए पढ़े जा रहे हो, मतलब यू हैव टू गो टॉपिक बाई टॉपिक, इस टॉपिक में मुझे पढ़ना है तो इस टॉपिक में ये मुझे आ गया और फिर नेक्स्ट टॉपिक पर हम प्रोसीड करें। थर्ड इज़ राइट टाइप ऑफ मेंटल फ्रेमवर्क, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स जो भी होते हैं वो बहुत मेंटल टफनेस के भी एग्ज़ाम होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने बस पढ़ लिया तो ठीक ही हो जाएगा, हमें एक अपना मेंटली भी हमें साउंड रहना चाहिए, हमें बहुत डिप्रेस नहीं होना चाहिए, हमें ऐसा नहीं कि हमने कॉन्फिडेंस ही लूज़ कर दिया या इंटरेस्ट ही लूज़ कर दिया, तो राइट टाइप ऑफ मेंटल फ्रेमवर्क। एंड द फोर्थ वन इज़ द एग्जामिनेशन हॉल स्ट्रैटेजी, बिकॉज हाउ एवर हार्ड वी वर्क, अगर हमने घर पर पढ़ाई कर भी ली, हमें सब कुछ आता भी है, लेकिन जब तक हम उसको एग्ज़ाम में रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हमारा, क्योंकि एग्जामिनर तो पेपर ही चेक करता है, वो हमें नहीं चेक करता है, तो इसलिए पेपर पे वो चीज़ आनी चाहिए कि मतलब वी नो द बेस्ट। तो दीज आर द 4 थिंग्स, मतलब आई थिंक विच एवरीबडी शुड कीप इन माइंड इफ दे वांट टू, इफ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। किताब लेके सारे दिन भर घूमना नहीं है, बिल्कुल भी सोने के लिए भी टाइम निकालिए, मतलब अपना सोने के लिए, हर चीज के लिए निकालिए, बस टाइम मोबाइल के लिए मत निकालिए, आई थिंक टाइम वेस्टेज के लिए टाइम मत निकालिए, बाकी हर चीज के लिए टाइम होना चाहिए। तो मैम अगर जैसे कहीं आपको कहीं से भी फोन आता है कि यहाँ पे समस्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, आप तुरंत निकल जाती हैं, बच्चे को कितना टाइम? मेरा बच्चा इज़ वेरी लाइक ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग आई मस्ट से, तो वो कुछ ऐसा नहीं करता है कि मम्मी लेट क्यों आई या क्यों नहीं आई या कहाँ है क्या है, मैं उनको उसको बताकर ही जाती हूँ जहाँ पर भी जाती हूँ, एंड वो काफ़ी कोऑपरेटिव है, एंड पूरा मेरा शाम को वंस आई एम बैक तो मतलब माई 100% टाइम गोज़ टू हिम, एंड ओनली आफ्टर ही स्लीप्स तब मैं अपनी फाइल वाइल लेकर बैठती हूँ, जब तक वो जगा रहता है और मेरे साथ रहता है तब तक ही नीड्स फुल अटेंशन, एंड आई ट्राई कि मैं उसको ही फुल अटेंशन दूँ, ना फ़ोन, मैं टीवी भी नहीं ऑन करती हूँ, ना फ़ोन करती हूँ, ना कुछ कर, ना फाइलें करती हूँ, बस उतने उसके सोने के बाद ही बाकी चीज़ें शुरू करती हूँ फाइल वाइल, तो दैट इज़ हाउ ही मैनेजेस वेल विद मी। क्योंकि कहते हैं कि एक ज़िले का विकास कैसे होना है वो ज़िले का प्रथम व्यक्ति या महिला ही समझ सकती हैं। आज हमने स्वाति एस भदौरिया से बात की है और आप समझ सकते हैं कि एक जिलाधिकारी के लिए सिर्फ कुर्सी पर बैठना नहीं होता है, यंग है तो इस वजह से हर जगह वो जाती हैं, सुदूर गांवों में जाती हैं, शिक्षा के लिए अलग काम, बच्चों के लिए अलग काम, और जिन जिन बच्चों को आईएएस लेवल की तैयारी करनी है या सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है उनके लिए अलग काम, और इन सब के बीच में अपने परिवार के लिए भी टाइम, कैसे टिप्स रखने हैं अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करने हैं वो भी हमने आपको बताए, क्या काम हो रहा है चमोली ज़िले में वो भी हमने आपको बता दिया, और उम्मीद करते हैं कि चमोली ज़िले की जनता को यहाँ की जिलाधिकारी का प्यार मिलता रहे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, धन्यवाद।